भारत हस्तशिल्प महोत्सव। हाय, हेलो करो, हेलो। तो अभी यहाँ से टिकट ले रहे हैं। टिकट नहीं लगा, ये वीआईपी एंट्री, वीआईपी एंट्री मस्त मस्त वीआईपी एंट्री है, नो टिकट लेना। लाइट्स है सब। बीएस का प्राइस क्या है? आपका सेट अच्छा लग रहा है। वो भी 10 रुपए था। बताओ क्या लूंगी। आइटम 10 रुपए के और प्राइस लगा रखे ना, उसे मैच करेगा। बाय बाय। सो हे गाइस, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी है मेले से। और हाउस इट 200 का। मेरी बार्गेनिंग कितनी अच्छी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एक्सप्लोर विद द कांशा। कैसे हो आप सब? आइए सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे। सो मेरा हुलिया भी ठीक नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर लगा है स्मृति उपवन आलम बाग में भारत महोत्सव। तो पहले ये लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जाना जाता है भारत महोत्सव के नाम से, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रदेशों से आते हैं लोग, अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जो भी वहाँ की कलाकृतियाँ होती है वो यहाँ पर बनाकर सेल करते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे वहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ पर 3-4 दिन के लिए लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भारत महोत्सव को, और आपको भी करवाते हैं। तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। कैच यू लेटर। कहीं जाइएगा नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। और आपको दिखाते हैं कौन कौन जाने वाला है। गुरु तो जाएगा ही साथ में, और भी कौन लोग जाने वाले हैं आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो हे गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा सिंपल सा लुक, और ये रहा गुरु। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते, नमस्ते। तो बाकी सब लोग भी रेडी हो रहे हैं, मिलवाते हैं आपको सबसे और आपको घुमाते हैं भारत मेला। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कुछ वहाँ पे यूनिक आया है। और अरे गुरु की सुन लेती हूँ, गुरु क्या बोल रहा है, फिर आपसे मिलती हूँ। सो मैंने गुरु से मिल लिया, गुरु से बात कर ली। गुरु कुछ चाहिए था, मैंने उसको दे दिया है। और मैं बता रही थी आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है वहाँ पर, काफ़ी कुछ नई चीज़ें आई हुई हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग सा कुछ वहाँ पे आया हुआ है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं आपको बताऊँगी नहीं पहले से। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, देखिए वो क्या चीज़ है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय, कैच यू लेटर। कहीं जाइएगा नहीं, ब्लॉग में बने रहिए, फुल एंड तक देखिएगा ब्लॉग। अपना खूब सारा प्यार दिए जैसे आप दे रहे हो, और थैंक यू सो मच फॉर 10K। आप सबने मेरा 10K करवा दिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, और जिन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया है, मेरी हेल्प करी है, और उन सभी को बहुत 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 दिल से थैंक यू। और फ्यूचर में अगर उनको भी मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगी बिना किसी क्वेश्चन के। तो आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करिए। वीडियो के एंड में आपको जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो मिल जाएगी। तो आप मुझे फॉलो करिए, और अपने जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया है उनको भी थैंक यू, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है तो हमारी खुद की जो इनर एबिलिटी होती है वो बाहर निकल कर आती है। तो उनको भी थैंक यू, सभी को थैंक यू, और स्पेशली थैंक यू टू माय गॉड जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे पावर देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। तो यहाँ पर देखिए मिनी भी रेडी हो गई है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओगी? हस्तशिल्प महोत्सव नहीं, हम लोग जा रहे हैं भारत महोत्सव, जो पहले लखनऊ महोत्सव था, अब भारत महोत्सव हो गया है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, आपको एक्सप्लोर करवाते हैं और एंजॉय करवाते हैं। कैच यू लेटर। वहाँ पर भाभी भी रेडी हो गई है, भाभी भी चल रही है साथ में, मिनी चल रही है, गुरु चल रहा है, और हम जा रहे हैं। आप सब भी आ जाइए मेला घूमने, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। कैच यू लेटर। तो जा रहे हैं हम लोग। बाय बाय। गुरु एक्साइटेड। हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, ऑटो से जा रहे हैं हम लोग। बाय मम्मी, बाय बाय बाय। Thank you.
देखो हम लोग मेला आने के बाद तो यहाँ निकलने के भी रास्ता न है। तो अभी हम आ गए हैं इस बती उपन पार्क जो आशियाना आलमबाग में है और यहाँ पर लगा हुआ है भारत हस्तशिल्प महोत्सव। और यहीं पर गेट पर कुछ बच्चे खड़े हुए थे जो बोल रहे थे कि दीदी आप व्लॉग बनाते हो, मुझे अपने व्लॉग में ले लीजिए और हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे जब मैंने उनसे बोला हेलो बोलने को, तो बच्चे खुश, हम भी खुश और हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर भी हो गए। बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। हाय हेलो करो, हेलो गुरु 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 नहीं बोलूंगे। तो अभी यहाँ से टिकट ले रहे हैं। तो फोन करो, टिकट हमारे पास फोन नहीं, हमारा फोन समेट हो जाता है। टिकट टिकट टिकट, अरे ले लिया हमने, ये लीजिए 30-30 रुपए का है। टिकट ले लिया हम पहुंच चुके हैं मेले में और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वो रही भाभी, ये रही मिन्ना। सो भी हमने यहाँ पर टिकट दे दिया है और एंट्री कर ली है। एंट्री करते ही देखिए कितना सन्नाटा सा लग रहा है, क्योंकि हम जिस दिन आए थे उस दिन बहुत ही बेकार सा वेदर हो रहा था। जब हमने प्लानिंग करी थी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हम रेडी होकर बाहर निकलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, बट नहीं हुई। और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही सब जो लोहे की चीज़ें होती, कढ़ाई वगैरह, तवे वगैरह, वो सब लगे हुए थे। तो ये भी हमने पूछा रेट्स वगैरह क्या थे, तो ये तो काफ़ी हाई होते ही है, तो हाई रेट्स थे इनके। और फिर हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर पॉट्स वगैरह थे और तुलसी जिसमें रखते हैं वो वाला पॉट था और काफ़ी डेकोरेटिव चीज़ें थी जो हाथ से बनाई हुई हैं, तो ये यहाँ पर हुए थे। और यहाँ पर देखिए 50-50 रुपीज़ के हाथ से बने हुए झुमके, ब्रेसलेट, रिंग्स वगैरह थी, तो ये भी हमने लिए थे यहाँ से। मिलो कैसा लग रहा है, मेले में आयो, अच्छा लग रहा है? कहाँ आयो, कहाँ आयो, मेला कहाँ आयो, मेला मेला क्या झूलोगे, झूला 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 अभी झूलेंगे झूला। तो यहाँ से मैंने 2 इयररिंग्स लिए थे, तो मैं आगे बाद में आपको दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करी थी तब। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो स्टॉल्स हैं वो खाली हो गई हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी ख़राब हो रहा था, इस वजह से जो आधे ज़्यादा शॉप थी वो बंद हो चुकी थी। कुछ एक शॉप खुली थी, वहाँ से हमने शॉपिंग वगैरह करी है, तो आगे आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। जैसा कि ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ यूनिक सा है, वो ये है। ये क्या है आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर मिल रहे थे गर्मा गर्म समोसे, तो मौसम को देखते हुए हमने यहाँ से समोसे ले लिए। 20 रुपए के 4 समोसे मिले थे, बहुत ही अच्छे थे। और अब हम आ गए हैं वूलन की शॉप पर। यहाँ से मिनी ने एक टॉप लिया है पिंक कलर का, जो चॉइस मेरी थी, मिनी को भी अच्छी लगी, तो ये रहा वो टॉप। और अब हम नेक्स्ट शॉप पर आ गए हैं। ये शॉप है वुडन वर्क से बने हुई चीज़ों की,
जाएगी। तो यहाँ पर लैंप्स हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं और बास्केट वगैरह है, वॉल पे सजाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये सब हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये सब, और कुछ एंटीक चीज़ें लगीं। आप भी आइए, शॉपिंग करिए। और नेक्स्ट हम आ गए हैं इस शॉप पर, यहाँ पर बच्चों के सारे आइटम हैं, स्टेशनरी के और गेम्स के भी हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, 10 रुपये से लेकर 50 रुपये की रेंज में। अभी यहाँ से गुरु के लिए कुछ ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चे भी आ गए हैं, और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो उन्होंने हेलो भी बोला व्लॉग में। और ये देखिए, यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करी हुई है गुरु के लिए, क्या शॉपिंग करी है वो आपको व्लॉग में आके देखने को मिलेगा, तो व्लॉग में बने रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मिनी को भी कुछ पसंद आ गया है, तो ये BTS का पेन है, तो मिनी BTS फ़ैन है, तो उसको उसने भी ये ले लिया है। और यहाँ पर गुरु शॉपिंग करने में बिज़ी है, मिनी शॉपिंग करने में बिज़ी है, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर। सो नेक्स्ट मैं आ गई हूँ क्रॉकरी की शॉप पर, और ये जो भैया हैं ये कथकी मिला भी शॉप लगाते थे, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और इन्होंने बोला कि मैम लाइए मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि पहले मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लास्ट में एक क्लिप बना देना। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे बाउल्स लिए हैं, वो मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये बहुत ही क्यूट सा सेट था कप और केतली का, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे, आपको भी लग रहा है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये, और मैंने क्या क्या शॉपिंग करी हुई है वो आगे आप व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो मुझे ये गेस्चर बहुत अच्छा लगा भैया का, कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें पहचानने लग जाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और थोड़ी सी मेरी हेल्प करी, थैंक यू भैया। और नेक्स्ट यहाँ पर नागरे वगैरह मिल रहे हैं, और अगेन यहाँ पर क्रॉकरी की शॉप है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 500 तक है। और जो मक्स वगैरह हैं काफ़ी कलरफुल हैं और बहुत ही यूनिक से लग रहे हैं, तो अगर आप भी मक्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप भी मेले वगैरह ज़रूर जाया करो, वहाँ से शॉपिंग जरूर किया करो, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। और यहाँ पर भाभी इंजॉय कर रही हैं नींबू वाली मसाला चाय, मुझे तो खराश हो जाती है इसलिए मैंने नहीं लिया, भाभी यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं। और अब हम आ गए हैं शॉप पर, यहाँ पर सारे आइटम 10 रुपये के थे, तो मुझे डाउट हो रहा था, तो मैंने भैया से पूछा कि आप इतने बड़े बड़े आइटम भी 10 रुपये में क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि उनकी बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने 50 रुपये के आइटम को 10 रुपये में कर दिया है। सो यहाँ पर है सारे आइटम 10 रुपये के, और मैंने कुछ आइटम लिए हैं यहाँ से, ये रहे आइटम। और ये है यहाँ पर कॉस्मेटिक की शॉप, तो देखते हैं यहाँ से क्या लेने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम आ गए हैं डोरमैट और कालीन की शॉप पर, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे से कालीन और डोरमैट्स वगैरह थे, बट काफ़ी कॉस्टली थे इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया। हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, आगे कहीं अगर मिलता है तो हम ज़रूर लेंगे। और नेक्स्ट शॉप थी कश्मीर से आए हुए भैया की, जिन्होंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाए थे, तो मैंने उनसे भी बात करी, बहुत ही अच्छे भैया थे, कश्मीर से आए हुए थे। कश्मीर ड्राई फ्रूट्स है ना, कश्मीर से आए हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। सो यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा इन भैया से बात कर जो कश्मीर से आए हुए थे। और नेक्स्ट हम आ गए हैं इस शॉप पर, यहाँ पर भी एक भैया बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको भी बोला हेलो बोलने को, तो वो भी खुश हो गए। तो हमें इंजॉय करते हुए ब्लॉगिंग करनी चाहिए। डो डो क्या ले रही हो मिनी? ले नहीं रही, दिखा रही थी। क्या दिखा रही हो? ये जिमिन का कार्टून कैरेक्टर है। वाओ, लोगों ने अच्छा नहीं रहा। ओ ओ ओ, क्या बोल दिया। और इस वाली शॉप पर मिल रहे हैं 150 में नेकलेस का पूरा सेट, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से इयररिंग्स वगैरह भी हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इयररिंग्स वगैरह मैंने लास्ट टाइम ले रखे थे, इसलिए मैंने नहीं लिए ज़्यादा, और ऑलरेडी मैंने 2 ले रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स वगैरह सब ऑन हो गई है, और काफ़ी ब्यूटीफुल से लग रहे हैं झूले वगैरह। और नेक्स्ट हम आ गए हैं अचार की शॉप से, जो राजस्थान स्पेशल अचार है, तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी अचार वगैरह की,
लेकिन मैं अचार ज़्यादा बाहर का पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो मैं प्रीफर करती हूँ घर के मसालों से बना हुआ अचार खुद से बनाना, इसलिए मैं घर पे बनाती हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह में देखते ही हो। और अगेन हम आ गए हैं डेकोरेशन की शॉप पर। तो देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर से फाउंटेन्स वगैरह हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। आइटम्स है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो।
पर मुझे एक डोरमेट की शॉप मिल गई, कालीन की शॉप। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये डोरमेट मिल गया है और बहुत ही बड़ा है। मुझे ऐसा ही चाहिए था बेड के पास लगाने के लिए। तो आगे आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कितने का मिला है और आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने अपने रूम में इसे बिछा भी रखा है। तो ये देखिए दूर दूर तक कालीन और यहीं 10 रुपये के जो आइटम वगैरह यहीं शॉप्स वगैरह हैं और फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं। तो इसलिए हम आगे नहीं गए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जा सकते हो, हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम आगे नहीं गए। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी ये आपको हम ले चलेंगे बहुत ही यूनिक सी जगह पर। तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गई इसलिए वो अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर देखिए गुरु आ गया है, शॉपिंग कर रहा है गुरु अपने लिए। तो गुरु ने यहाँ पर मॉन्स्टर कार ले ली है, स्कूटर ले लिया है गुरु ने, तो इवन सारी कार्स वगैरह ले ली थी। तो किसी तरीके से मैंने उसे बहलाया और फिर मैंने 2 कार वगैरह ले ली उसके लिए। और नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं अभी कहीं स्पेशल जगह पर, तो ब्लॉग बने रहिए। अभी हम जाने वाले हैं अंडर वाटर फिश टनल में, जो फर्स्ट टाइम लखनऊ में बना है। और लखनऊ महोत्सव लगता था तब, कभी ये नहीं लगा, और भारत महोत्सव लगा है तो ये यहाँ पर लगा हुआ है और ये हाथ से बनाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है। अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये। तो अभी हम यहाँ पर टिकट लेने के लिए आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट से टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ की एंट्री थी तो बहुत ही रीज़नेबल था। मैंने सोचा था कि 100-200 ऐसे लेंगे, लेकिन 50 रुपीज़ था और बच्चों का कोई चार्ज नहीं था, 5 ईयर्स तक के बच्चों का कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर, चलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर से ये कैसा है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। और एंट्री करती ही यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी सी राम लला जी की मूर्ति है जो अयोध्या में स्थापित की गई थी। तो ये एक बैनर पर है लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। हमने दर्शन किए, आप भी करिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था कि हम ये कहाँ आ गए हैं, यहाँ पर तो छोटे छोटे से एक्वेरियम लगे हुए हैं, टनल तो कहीं पर है ही नहीं। तो हमें बहुत गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा चलो इसको ही शूट कर लेते हैं, वीडियोज़ वगैरह हम शूट करने लग गए इसका ही। और यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की फिशेज वगैरह थी जिन्हें हम देख रहे थे, गुरु भी इंजॉय कर रहा था। फिर हम ये सोच भी रहे थे कि आगे टनल हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन टनल हमें मिला और हमने इंजॉय भी किया। तो आप भी ब्लॉग में बने रहिए, आपको हम लोग दिखाते हैं टनल, और तब तक आप इंजॉय करिए इन फिशेज को। टनल मिल गया है और बहुत ही अच्छा टनल बना हुआ था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे लखनऊ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, और ये बहुत ही सुंदर टनल बनाया गया है और बहुत ही कम समय में बनाया गया है क्योंकि जो मेला है वो काफ़ी कम टाइम के लिए लगा हुआ था। तो इसे बनाने में बहुत मेहनत भी लगी होगी, बहुत टाइम भी लगा होगा, तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि उन्होंने ऐसा यहाँ पर बनाया हमारे लिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। और दूर दूर से लोग आए यहाँ पर देखने के लिए, मेला वगैरह सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि लखनऊ में कुछ ऐसा देखने को मिला हमें,
हमें, तो मैं तो बहुत ही अप्रिशिएट करूँगी। तो इसीलिए इसका नाम है हस्तशिल्प महोत्सव, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मेहनत करके बहुत कुछ बनाया है, इसलिए तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टनल, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही प्यारी प्यारी सी फिशेज़ हैं यहाँ पर, और बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी छोटी भी हैं, तो सभी लोग इन्जॉय कर रहे थे। बच्चे यहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बड़े भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। आपने ब्लॉग में देखा ही और आप देख ही रहे हो, तो आप भी इन्जॉय करिए इस टनल को, और लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार देते रहिए। देखिए मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर फीचर्स वगैरह को देख कर, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो। तो इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को अपना, खूब सारा प्यार दीजिए। और इस बड़ी वाली फिश को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, गुरु भी बहुत एक्साइटेड हो गया था कि क्या चीज़ है। तो बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की कलरफुल और छोटी बड़ी हर साइज़ की फिशेस देखने को मिली, तो बच्चों की नॉलेज भी इस तरीके से बढ़ती है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी तो परमानेंट, तो बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, टनल वगैरह जो यहाँ पर बनाया गया है, ये परमानेंट होना चाहिए यहाँ पर, या फिर किसी मॉल में होना चाहिए, या फिर सेपरेटली जैसे हमारे ये आंचलिक विज्ञान केंद्र है जहाँ पर बच्चे जाते हैं कुछ सीखते हैं, तो इस तरह का भी कुछ बनाना चाहिए। सरकार को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इन सब चीज़ों से। तो कलरफुल फीचर्स वगैरह जब बच्चे देखते हैं तो बच्चे काफ़ी एक्टिव भी हो जाते हैं, और शार्प माइंड होता है बच्चों का, तो काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं बच्चे। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, इस तरह की चीज़ यहाँ पर परमानेंट हो जानी चाहिए, जिससे हमारा टूरिज़्म भी बढ़ेगा, बाहर के लोग भी यहाँ पर आना पसंद करेंगे। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगी और बोलना चाहूँगी जिन्होंने ये बनाया है उनके लिए, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही मेहनत करी है उन्होंने। तो थैंक यू इस तरह की चीज़ बनाने के लिए और हमें आकर्षित करने के लिए। हम ये देख कर ही यहाँ पर आए, वीडियोस वगैरह हमने देखी थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो देख कर ही हम आए थे यहाँ पर, और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने इस तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन करी और बहुत अच्छे से बनाया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इस तरह की चीज़ें आप लाते रहिए, हम भी आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, और आप भी हमें अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा। तो इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को, और थोड़ी देर में हम घर जाने वाले हैं वापस, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इंजॉय करेंगे फिर घर जाएंगे। और बाहर निकलते ही देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी सीनरीज वगैरह भी हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गोरिल्ला को देखकर गुरु बहुत ही खुश हो रहा था, इंजॉय कर रहा था, और सेल्फी पॉइंट्स वगैरह काफ़ी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे हैं, तो व्लॉग को इन्जॉय करिए। तो जैसे ही गुरु को पता लगा कि हम जाने की बात कर रहे हैं, तो वो फिर से टर्न हो गया और टनल में फिर से चला गया, और वो उसको लगा कि हम वापस घर जाने वाले हैं, उसको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक स्टेयर बनी हुई थी, तो गुरु उसे ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा था, उसे अच्छा लगता है ये करना, स्लाइड्स वगैरह करने लग गया था। तो उसको लगा कि मुझे घर तो वापस जाना नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक गया था, क्रैंकी हो रहा था, रोने लग गया था, तो हमने सोचा कि हमें चलना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा फोटोज़ वगैरह क्लिक लाई, यहाँ पर थीम जो थी भारत हस्तशिल्प महोत्सव वो थी, और यहाँ पर अयोध्या का पूरा सीन बनाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब हम आ गए हैं कैंडी की शॉप पर, तो यहाँ से हम खट्टी मीठी गोलियाँ और ब्लैक कैंडी वगैरह लेने वाले हैं। तो ये सब लेने के बाद फिर हम घर चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से कुछ आइटम वगैरह ले लेते हैं, गुरु को ये अच्छी लगती हैं खट्टी मीठी गोलियाँ।
थे हम झूला भी झूलने के लिए, लेकिन बारिश होने की वजह से हम झूला वगैरह नहीं झूल पाए और हमें घर जाना पड़ रहा है। बारिश में भी यहाँ पर देखिए सब लोग आग ताप रहे हैं, क्योंकि ठंडी बहुत हो गई थी बारिश होने के बाद, तो यहाँ पर सब लोग आग ताप रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और हम सभी लोग अब जा रहे हैं घर वापस, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में घर पहुँचने के बाद। ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाएगा नहीं। अभी आपको हम दिखाने वाले हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। वापस और बहुत इंजॉय किया हम सभी ने, और एट द एंड बारिश होने लगी तो हम लोग को जल्दी वापस आना पड़ गया। और ये देख कितनी सारी शॉपिंग हुई है। ये रे भाभी, अच्छा लगा ना? बहुत मजा आया। अच्छा लगा ना? बहुत। आपको भी आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिनी, ये रहे मिनी। तो सभी बच्चे थके हुए हैं, गुरु अपने काम में लग गए, मिनी अपने काम में लग गई है, और अब बनने जा रही है चाय। मम्मी कह रही है थोड़ी सी चाय पीनी है, मम्मी को चाय पीनी, चाय पत्ती लेना वही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना खूब सारा प्यार देते रहिए जैसे कि आप दे रहे हैं। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। मम्मी बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। बाय भाभी। पापड़ लाई, पापड़। ये एंड नहीं करने देंगे ये लोग। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और काफी अच्छा रहा, हमने काफी इंजॉय किया, और झूले वगैरह हम नहीं झूल पाए क्योंकि एट द एंड बारिश होने लग गई थी, इस वजह से मौसम वैसे ही खराब था। बट हमने प्लान कर रखा था कि हम जाएंगे, इसलिए फिर हम गए और बहुत मस्ती करी, बहुत एंटरटेनमेंट किया हमने, और आप सभी को एक्सप्लोर करवाया, बहुत सारी शॉपिंग करी हमने। तो अभी आपको दिखाएंगे हमने बहुत ही कम रेट पे कितनी अच्छी अच्छी शॉपिंग कर ली है, छोटी छोटी सी शॉपिंग करी है, कुछ खास शॉपिंग नहीं करी है। और मेन तो हम इंजॉय करने के लिए गए थे, आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए गए थे। तो आपको दिखाते हैं गुरु क्या कर रहे हैं। गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु अपने लिए कार लेकर आए। और स्कूटर का है? स्कूटर, स्कूटर तो दिखाओ स्कूटर। बीबी, ये गुरु स्कूटर लेकर आया है। ये तो गुरु ने भी काफी कुछ शॉपिंग करी अपने आप से, आपने ब्लॉग में दिखाई। सो आई होप यू लाइक द ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा प्यार दीजिए, और ऐसे जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे देते रहिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। और बारिश हो रही थी वहाँ पर, हमने खरीदे थे ये चावल के पापड़, तो ये मैंने भून दिए हैं और यहाँ पर बना दी है गर्मा गर्म चाय। तो सभी लोग यहाँ पर चाय और पापड़ एंजॉय कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर बनने वाले हैं मूली के पराठे, तो ये देखिए यहाँ पर मूली आ चुकी है बड़ी बड़ी सी, और इसके बनेंगे पराठे। और मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी, तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। मैंने सिर्फ हरा लहसुन डाला है, जीरा डाला है, हल्दी डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये बनकर रेडी हो गई है,
तो फटाफट चलिए डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो उसके लिए व्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर गुरु दिखाने लग गया है कि क्या क्या शॉपिंग हुई है। तो व्लॉग को इन्जॉय करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, बाय, इन्जॉय मेले वाली शॉपिंग। सो हे गाइज, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी है मेले से। और हमने ज़्यादा कॉस्टली शॉपिंग नहीं करी है, बहुत ही सिंपल सी और बजट के अंदर वाली शॉपिंग करी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो सबसे पहले तो गुरु का दिखाएंगे। गुरु ने ये बाइक खरीदी है जो जस्ट 50 रुपीज़ की है, और गुरु ने खुद से शॉपिंग करी है, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो ये गुरु ने लिया है। और ये वाली जो कार है ये भी गुरु ने लिया है, मॉन्स्टर कार, तो ये भी 50 रुपीज़ की है, तो बहुत अच्छी है, रीजनेबल प्राइस में मिल गई है। तो दिखाते हैं, हमने कुछ बाउल्स लिए हैं। तो ये एक बाउल मैंने लिया है 50 रुपीज़ का, बहुत अच्छा है, और इसकी जो प्लास्टिक है वो भी बहुत अच्छी है, और माइक्रोवेव में इसे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ये फ्रूट्स वगैरह, नूडल्स वगैरह जो भी खाने हमें उसके लिए अच्छा है, सूप पीने के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक और मैंने लिया है, ये भी 50 रुपीज़ का है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल है, तो इसमें हम सैलड वगैरह खा सकते हैं। तो ये मैंने 100 में 2 लिए हैं, आप कोई भी वैरायटी का ले सकते हो, मैंने 2 लिए हैं, बहुत ही अच्छा है ये। और ये एक प्लेट है जो 30 रुपीज़ की है, तो बहुत अच्छी है, जैसे हम बाउल में कुछ लिया और मैंने ऐसे करके खाया, तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए, इसको भी इसमें ऐसे रख सकते हैं। तो ये लिया है 30 रुपीज़ में, और क्या चाहिए, अच्छा है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है इसकी। और ये भी 30 रुपीज़ का है, फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, पोमेग्रेनेट है और ऑरेंज वगैरह है, तो इसमें हम पील ऑफ करके खा सकते हैं, तो ये मैंने लिया है। और गेस करिए कि ये कितने के होंगे, एनी गेसेस? नो, ये ओनली 10 रुपीज़। तो ये वैसे तो वो 30 रुपीज़ के सेल कर रहे थे, बट मैंने उनसे काफ़ी बार्गेनिंग वगैरह कराई, तो ये उन्होंने 10 रुपीज़ के दिए हैं, और वो शॉप भी 10 रुपीज़ वाली ही है। तो ये देखिए 10 रुपीज़ के लिए है मैंने, बहुत अच्छे हैं। इसमें हम हॉट चीज़ें नहीं खाएंगे, इसमें जो कूल चीज़ें जैसे फ्रूट्स वगैरह वो सब खाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में गर्म नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाएंगे। ये बाउल माइक्रोवेव वाले हैं, इसलिए हम इसमें खा सकते हैं हॉट चीज़ें भी। और ये लिया है मैंने, जैसे कि कैंडीज वगैरह है और जो हम माउथ फ्रेशनर्स वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए लिया है। तो ये भी 10 रुपीज़ का है, यू कैंट बिलीव, ये भी 10 रुपीज़ का है, तो बहुत अच्छा है। और इसमें हम मसाले भी रख सकते हैं, इवन मसाले वगैरह भी रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप लखनऊ में रहते हो तो आप जा सकते हो। देखिए ये लिया है 10 रुपीज़ का। और ये टैब में लगाने के लिए अगेन मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर हम ये ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमें 150 या 200 का पड़ता है, बट हमने ये मेले से लिया है तो हमें ये 10 रुपये का पड़ा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने ले लिया था, अच्छा है ना। और मैं जो पहले से लेके आई थी मेले से, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा लगा, अभी तक वो चल रहा है, लेकिन मैंने कहा ले लेती हूँ, फिर मेला चला जाएगा, फिर हम ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने ये ले लिया। और ये हमने लिया है गुरु के लिए कलर्स और क्ले, तो गुरु से खेलेगा, कलर्स वगैरह करेगा। अभी मैंने उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया था वाटर कलर से, तो अब मैं उसे वाटर कलर से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। देखना चाहती हूँ कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, कैसी उसकी लर्निंग पावर है, तो वो सब मैं भी टेस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद मैं और भी कलर्स लेके आऊँगी, अभी मैं जस्ट ट्रायल के लिए लेकर आई, मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया। ये भी 10 रुपीज़ का है, मार्केट में वैसे हम जाते हैं तो 50 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन हमने मेले से लिया है तो ये 10 रुपये का पड़ा है, और काफ़ी अच्छा है। तो जब भी मैं गुरु से एक्टिविटी कराऊँगी तो आपको जरूर दिखाऊँगी। और ये क्ले है, तो गुरु क्ले से पहले से ही खेलता है, उसे अच्छा लगता है, वो कुछ भी बनाता रहता है, तो क्रिएटिव तो है ही। तो ये देखिए ये लिया है, और अभी वो खेल रहा है, कुछ लेकर आया है, उससे खेल रहा है वो। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये गुरु ने लिया है की रिंग लिया है, तो उसको अच्छा लग रहा था, ये गुरु ने खुद से लिया है, तो वैसे भी खेलता रहता है, उसमें बिजी रहता है काफ़ी देर तक, आपने देखा होगा मेरे पहले अपने बॉक्स में भी गुरु को ये पसंद है, तो इसलिए मैंने ये लिया है, और वो जस्ट खेलने के लिए लिया है। ये भी 10 रुपीज़ का है, इसलिए मैंने ले लिया, कह जाता है बच्चे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो ये मैंने लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है ये किचन सेट,
ये किचन सेट लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किचन सेट सिर्फ लड़कियाँ ही यूज़ करती हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो भी खेलते हैं, तो मैंने ये लिया हुआ है। गुरु को अच्छा लगता है, वो स्टार्टिंग से ही बर्तन वगैरह से खेलता हुआ आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए लेती हूँ। तो खेलेंगे, एक्टिविटी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि गुरु कैसे इंजॉय कर रहा है। हमने क्या लिया है, और ये हमने डॉल वाला कीरिंग लिया है, ये भी गुरु ने खुद से परचेज किया है, गुरु ने खुद से इसे पिक किया था, तो मैंने सोचा उसे ले लेते हैं, और गुरु इसे पारी भी कर रहा था, तो ये परी वाली है कीरिंग, और साथ में ये पॉपिट वाली कीरिंग है, तो गुरु को ये भी अच्छी लग रही थी, तो ये लिया है हमने। तो हमने यहाँ पर ये तीन कीरिंग्स लिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप भी जाइए और ख़रीदिए। तो ये 30 रुपीज़ का है, ये 10 रुपीज़ का है, ये भी 10 रुपीज़ का है। और मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं, मैंने 2 इयररिंग्स लिए थे एक्चुअली, बट वो होता है ना, जब हम बेबी को संभालते हैं तो कोई ना कोई चीज़ें हमारी मिस हो ही जाती हैं, तो मेरा एक इयररिंग जो है वो मिस हो गया मुझे, लेकिन मैं ये वाला रह गया है, तो ये अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये लिया। जो दूसरा वाला था वो काफ़ी अच्छा था, मिरर वाला था, कोई नहीं फिर से ले लेंगे। ये 50 रुपीज़ का है, कुछ यूनिक चीज़ें में लेते रहना चाहिए, इसलिए लिया है। और मेरे पति देव गुस्सा कर रहे हैं कि वीडियो बना रही बैठ के और ये आप गैस करिए कितने के होंगे, ये भी 10 रुपीज़ के हैं। तो मैंने ये सब लिए हैं, फ्रूट्स वगैरह जब मैं रखने के लिए लिए हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, तो ये लिए हैं 10 रुपीज़ के। आप सोच रहे होंगे ना कि काश मैं भी होती, मैं भी ले लेती वहाँ से ना, तो आप जाइए ना, लीजिए जाके ना, जाइए इंजॉय करिए। और ये बास्केट, क्या आप बता सकते हो ये कितने की है, 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, 25, 20, 50, no, 10 रुपीज़। ये भी 10 रुपीज़ की है, तो अच्छा है ना, कभी कभी हम फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं इसमें, वेजिटेबल्स रख सकते हैं। तो ये लाइट वेट है, तो हम इसमें लाइट फ्रूट्स रखेंगे, जैसे कि अंगूर हो गए, और इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स रख सकते हैं, धनिया रख सकते हैं, काफ़ी जो लाइट वेटेड होती है वो सब चीज़ें रख सकते हैं। आलू मत रखिएगा, टूट जाएगी। और ये कितने की होगी बताइए, 50, 25, 20, 50। ये भी 10 रुपीज़ की है, ये देखिए, ये भी 10 रुपीज़ की है, तो ये भी मैंने फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए लिया है। और ये बताइए कितने की होगी, 50, 40, 30, 20, 50, 10। ये भी 10 रुपीज़ की है तो मैंने सोचा कि मुझे ले लेना चाहिए। ये वीडियो में पता नहीं आपको लग रहा होगा कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, पता नहीं, बट ये काफ़ी बड़ी है, आप गैस कर सकते हो। ये है, ये इसके अंदर जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी बड़ी है ये ये वाली कैसे छोटी है, तो ये देखिए, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 30, 30, 50, 50, 100। तो ये सारी शॉपिंग हमने करी है। पहले मैं गुरु को कलर्स देती हूँ, वो कलर्स मांग रहा है। और ये एक गुरु ने बहुत ही क्यूट सी चीज़ ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बैट बॉल लिया है गुरु ने, बॉल है, क्यूट सा है, 10 रुपीज़ अगेन, अच्छा है ना। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैं लाई, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि वो इतने में मिल सकता है। तो ये मैं लेकर आई हूँ एक डोरमैट, तो ये मैं रूम में बिछाने के लिए लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी है और इसका प्राइस क्या है, बताती हूँ आपको, जस्ट वेट, आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी है, देखो ना, तो ये आप बताओ कि कितने रुपीस की होगी। और बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, बहुत ही मोटी है, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, जो मैंने
कर्टन्स लगा रखे हैं वो ग्रीन और व्हाइट शेड में, तो मैंने सोचा ग्रीन और व्हाइट लेते हैं। तो बताइए भाई कितने में है, गेस करिए। 1000, 600, 500, 400, 300, 250, 200, यस 200। तो ये है 200 का, और शॉपकीपर ने मुझे बोला था ये 1000 का, फिर मैंने बार्गेनिंग करते करते 500 पे गई, फिर उसके बाद 300 पर वो आया, फिर उसके बाद लास्ट में 200 करके मैं लाई। तो सोचिए मेरी बार्गेनिंग कितनी अच्छी है, मैंने 1000 की चीज को 200 में ले लिया, है ना अच्छा। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, क्योंकि जब छिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको इस ऐसी चीजों की नीड होती है, तो मैंने ये लिया है। और आप भी जाइए शॉपिंग करिए अभी, तो हो सकता है वो आगे भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये डेली बेसिस वाली चीज़ें चाहिए जो हमें डेली यूज़ में चाहिए रहती हैं, तो अगर आप चाहते हो लेना तो आप जा सकते हो। और टिकट जो वहाँ का है वो 30 रुपीज़ है, बच्चों का कोई टिकट नहीं है, 5 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। तो वहाँ पर जाइए, इंजॉय करिए, शॉपिंग करिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये शॉपिंग कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, वो भी बताइएगा आप। और ऐसी हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना खूब सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं यहाँ से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, बाय। मैंने मेले से जो कंटेनर लिए थे 10 रुपए के, उसमें मैंने कैंडीज वगैरह फिल कर दी हैं, जो गुरु भी खाता है मैं भी खाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसमें मसाले वगैरह भी रख सकते हैं, आपका जो मन हो वो रख सकते हैं, इसे आप पूजा वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे फिलिंग कर दी है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फिलिंग भी कर ली है इसमें। और ये एक बॉक्स मैंने रखा है जो चटपटा खट्टा जो होता है माउथ फ्रेशनर, उसके लिए। तो इसमें है आंवला कैंडी, हींगोली और ये खट्टा मीठा आंवला है, ये सारे खट्टे खट्टे जो फ्लेवर होते हैं वो इसमें मैंने रखे हुए हैं। और ये है स्वीट वाला कंटेनर, इसमें मैंने गुरु के लिए रखा हुआ है। तो ये खट्टी मीठी सी गोलियां हैं और जेली है, और ये इमली है खट्टी मीठी, और साथ में कुछ और भी है मेरे पास, और ये खट्टी मीठी इमली वाली टॉफ़ी भी हैं। तो ये भी मैं इसी में रख देती हूँ, लेकिन गुरु रखने नहीं दे रहा है। टॉफ़ी तो इस तरह से मैंने इसका यूज़ कर लिया है, और मुझे ये 10 रुपीज़ में काफ़ी रीज़नेबल लगा और काफ़ी अच्छा है। 10 रुपीज़ में कहाँ ही मिलता है ऐसा कुछ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और गुरु इंजॉय कर रहा है, गुरु अच्छा लग रहा है, अच्छा है ना। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो डोरमेट ली थी वो भी बिछा दी है, क्योंकि गुरु अक्सर मोजे वगैरह नहीं पहनता है, तो कोई भी बच्चे होते हैं मोजे वगैरह नहीं पहनते हैं, तो आप भी चाहें तो ये ख़रीद सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही सूटेबल लगी 200 में। और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने कलर्स लिए थे 10 रुपीज़ के, वो भी गुरु यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं उसे पेंटिंग वगैरह करवाती रहती हूँ, तो वो यहाँ पर कर रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा है। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे काफ़ी कुछ मिल गया मेले में, तो वर्थ इट रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा मेले से जो मैंने शॉपिंग करी और वहाँ पर इन्जॉय किया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।